वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल और आज हम क्लास 11 इंग्लिश की पोएम नंबर 1 जिसका नाम है अ फोटोग्राफ उसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट, जो वर्ड है कार्डबोर्ड जिस पोएम में आया है उसका क्या मतलब है। व्हाट हैज दिस वर्ड बीन, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज, इस वर्ड का यूज क्यों हुआ। तो सबसे पहले मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए इमेजेस का यूज किया है। कार्डबोर्ड होता है एक फोटोग्राफ, एक फोटो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आंसर देखो, द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ, जो वर्ड कार्डबोर्ड है वो डिनोट्स करता है फोटोग्राफ को। पेस्टेड ऑन ए हार्ड थिक पेपर, जिसको पेस्ट किया जाता है। देखा होगा आपने पुराने जमाने में ऐसे करके फोटो होते थे, पुराने जमाने के अभी भी होते हैं, और पीछे उनके हार्डबोर्ड लगा रहता है ना, गत्ता सा लगा रहता है। द वर्ड हैज बीन यूज टू इंडिकेट द पास्ट व्हेन फोटोग्राफ्स वर पेस्टेड, और इस वर्ड का यूज किया गया है पास्ट को बताने के लिए जब फोटोग्राफ जो है पेस्ट किए जाते थे कार्डबोर्ड के ऊपर एंड फ्रेम विद ग्लास फ्रंट टू प्रिजर्व देम, और सामने से उनके ऊपर कांच लगा दिया जाता था उन्हें दिखाने के लिए। मतलब देख रहे हो, जैसे देख रहे हो इस फोटो में, ये फोटोग्राफ है, इसमें साइड में तो कार्डबोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, फ्रेमिंग हो रखी है, ये फोटो है, और इसके ऊपर आपके घर में भी होंगे इस तरह से फोटो, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है ताकि इसकी जो एज है वो बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा ने किस चीज को कैप्चर किया है। चिल्ड्रन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को लाइक कर दो। कर दिया सब्सक्राइब, आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा ने किस चीज को कैप्चर किया है। आपने अगर पोएम पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो अंकल है उन्होंने इन तीनों का फोटो खींचा था, पोएट की मम्मी का और उसके दो कजिन बेटी और डॉली का। ठीक है, देख लेते हैं। द कैमरा हैज कैप्चर्ड द थ्री गर्ल्स, तीनों लड़कियों की फोटो को खींची है जिसमें पोएट की मम्मी है, उसकी टू कजिन्स हैं, ठीक है, बेटी एंड डॉली, इन देयर स्विमिंग ड्रेसेस, और उन्होंने क्या पहना हुआ है, स्विमिंग ड्रेसेस पहना हुआ है। चिल्ड्रन अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंग्लिश बाबा 123 टेलीग्राम, ठीक है, आपको हमारे अपडेट्स आपके फोन पे मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स, इतने साल बीत जाने के बाद भी किस चीज में कोई चेंज नहीं आया है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या इस बात से आपको कुछ पता चलता है। तो आपने अगर ये पोएम पढ़ी है, मैंने बना रखा है, यूट्यूब में सर्च बार में लिख देना अ फोटोग्राफ बाय इंग्लिश बाबा, आपको मिल जाएगा 6 मिनट के अंदर। तो जो समुंदर है वो बिल्कुल नहीं बदला, वो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा है। तो आंसर देखो, द सी हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर, जो समुंदर है इतने सालों के बावजूद भी नहीं बदला। ये चीज हमें किस बात की याद दिलाती है, इट रिमाइंड्स अस दैट एट वन साइड सी रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर सो मेनी ईयर्स, एक तरफ तो हमें ये बात याद दिलाती है कि जो समुंदर है वो इतने सालों के बाद भी नहीं बदलता, बट ह्यूमन बींग फेस चेंज एज द टाइम पासेस, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है उनका जो फेस है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। देखो चाइल्डहुड में हम ऐसे होते हैं, है ना, जब यंग हो जाते हैं ऐसे हो जाते हैं, और ओल्ड एज में हम ऐसे हो जाते हैं और फाइनली मर जाते हैं। ठीक है, द पोएटेस मदर लाव्ड एट द स्नैपशॉट, जो पोएटेस की मम्मी है जब भी उस फोटोग्राफ को देखा करती थी वो हंसा करती थी। वॉट डिड दिस लाफ इंडिकेट, ये जो लाफ है, ये जो हंसी है किस बात को बताती है। This laugh indicated her joy at remembering an incident connected with her past. तो आपने देखा होगा, जैसे मान के चलो आप कभी 6th क्लास में टूर पे गए थे, ट्रिप पे गए थे, तो वहां ग्रुप फोटो हुआ था, तो जब भी आप उस फोटो को देखते हो एल्बम में कहीं ना कहीं पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, आपको हंसी आती है, इमोशंस जुड़े होते हैं। तो ऐसी जो उसकी मम्मी है जब भी वो पुराने फोटो को उस फोटो को देखती थी वो हंसा करती थी। ठीक है, when she was quite young, जब वो बहुत छोटी थी and free from the tensions, और उसे कोई भी टेंशन नहीं थी लाइफ की, एंड वरीज ऑफ लाइफ, उसे लाइफ की कोई भी चिंता नहीं थी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, एक लाइन आई है पोएम के अंदर बोथ राय, ठीक है, राय का मतलब होता है दुखी होना, दोनों क्यों दुखी होते हैं, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। The line refers to the sea holiday as remembered by her mother. अब ध्यान से समझना इस वाली लाइन को। उसकी जो मम्मी है जब भी उस फोटोग्राफ को देखती थी तो उसे अपना पास्ट याद आता था और वो पास्ट अब कभी वापस नहीं आता था। And the poet remembering her mother's laughing face. और जो poet है वो अपनी मम्मी के हंसते हुए फेस को याद करती है क्योंकि आज जो उसकी माँ है वो इस दुनिया में नहीं है। Both of them are now part of past. तो इस चीज का मतलब समझो कि जब उसकी मम्मी उस फोटो को देखती थी तो वो अपने पास्ट को याद करती थी, है ना,
और आज वो अपनी मम्मी को याद करके दुखी हो रही है, तो दोनों ही वो अपने पास्ट को याद करके दुखी होती थी कि वो मेरा पास्ट अब वापस नहीं आ सकता, और वो अपनी माँ को याद करके दुखी हो रहा है कि अब वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। हर मदर इज नो मोर नाउ, अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वॉट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू, पोएम में एक वर्ड आया है दिस सर्कमस्टांस, इसका मतलब क्या है? दिस सर्कमस्टांस रेफर्स टू द डेथ ऑफ पोएट्स मदर, और इस सर्कमस्टांस का मतलब है पोएट की मम्मी की डेथ, है ना, कि वो मर चुकी है। वो लास्ट में बताती हैं कि मैं इसके बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहती हूं, जैसे उनका एक पास्ट रहा था मेरी मदर का जब वो अपने फोटो को देखा करती थी, ऐसे मेरा पास्ट है जब मैं अपनी माँ को हंसते हुए देखा करती थी। द थ्री स्टेंजास डेपिक थ्री डिफरेंट फेसेस नेम्ड, इस पोएम के अंदर तीन जो अलग अलग डिफरेंट स्टेंजास हैं उसमें तीन अलग अलग फेजेस की बात हुई है, स्टेजेस की बात हुई है, वो कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो मैं आपको हेडिंग दिखा देता हूं। पहला है द गर्लहुड ऑफ द पोएट्स मदर, पहले स्टेंजा में बात हुई है पोएट की मम्मी जब वो खुद एक छोटी बच्ची थी, ठीक है। दूसरी बात है जब वो हर मिडिल एज, जब पोएट की माँ खुद से बड़ी हो जाती है, और तीसरी है पीरियड आफ्टर डेथ, जब वो मर जाती है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, द गर्लहुड ऑफ पोएट्स मदर, द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएट, जब वो खुद, ऑब्वियस बात है जब पोएट की जो माँ है, जब वो खुद ही एक छोटी बच्ची है, उस टाइम तक पोएट पैदा नहीं हुई थी। दूसरा, हर मिडिल एज, द पीरियड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट, और इस टाइम पे जो पोएट की मम्मी है वो बड़ी हो चुकी है, उनकी शादी हो चुकी है, उनकी बच्ची हो चुकी है, और वो उस टाइम पे कार्डबोर्ड देखा करती थी और हंसा करती थी पोएट के साथ। और तीसरा है अब जिसमें अब पोएट अकेली रह चुकी है, जिसमें अब जो पोएट की माँ है अब वो इस दुनिया में नहीं रही है, और वो अपनी माँ को याद करके कहीं ना कहीं रोती है, दुखी होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, Who took the photograph of her mother with her cousin? किसने वो फोटोग्राफ खींची थी उसकी मम्मी की उसके कजिन के साथ? ऑप्शन है हर ग्रैंड मदर, हर अंकल, हर मदर्स फ्रेंड या हर ग्रैंड मदर, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में। आई होप मैंने ये जो बहुत प्यारी तरह से जो वीडियो बनाया है, बहुत मेहनत लगी है इमेजेस डालने में, एक एक चीज को इस तरह से डालने में, तो एक लाइक तो यार बनता है, और अगर चैनल पे मेरे भाई पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को टैप कर दो, और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।